अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अम्मू आई क्यों नहीं अब तक? भवानी भाई क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? क्यों परेशान, तेरे लिए और किसके लिए? और ये क्या, तेरा सब सामान कहाँ है? सामान क्या अम्मू? अरे तू वहाँ बबीता आहूजा का पर्दाफाश करने गई थी, अब उनका सच सामने आ गया है ना, तेरा काम खत्म हो गया, तू अब वापस वहाँ नहीं जाएगी। कैसे कैसे नहीं जाऊंगी आई? आई विराट सर बहुत तकलीफ में, उनका दिल भरोसा सब टूट गया, मैं उन्हें अकेला कैसे? आंटी आप समझाइए ना आई को। जान रुक, देखा अब मैं और तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैंने तुझे वहां जाने की मंजूरी क्यों दी थी? ताकि उस बबीता आहूजा ने हम पे जो इल्जाम लगाए वो कैसे झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं, ये साबित करने के लिए। वो हो गया ना, सच सबके सामने आ गया ना, तेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। अरे वो बबीता आहूजा कितनी खतरनाक औरत है, तुझे लगता है इतनी बड़ी हार होने के बाद वो चुप बैठेगी? नहीं, वापस तुझे निशाना बनाएगी, और मैं वो होने नहीं देना चाहती। तू वापस घर आ जा, देखा अब तूने कोई आनाकानी की नहीं। प्लीज देख शांत हो जा, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान है मुझे लेकर, लेकिन इस वक्त विराट सर बहुत ज्यादा परेशान है। सुन ना मेरी बात, तू ये कैसे भूल जाती है कि उन्होंने साथ दिया है ना हमारा, तेरा साथ दिया, जहान आंटी का, हर्षा का, हमें जब कभी जरूरत पड़ी है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं बस वही एहसान उतार रही हूँ, तू यही मानकर मुझे वापस जाने दे आई। मैं नहीं अकेला छोड़ सकती उन्हें, तो बस मेरी चिंता मत कर, संभाल लेना आंटी, मेरी चिंता मत करना, सॉरी। भवानी क्यों कर रही है ऐसा तू? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? जहां तुझे कितनी बार समझाऊं और किस भाषा में समझाऊं, अगर मैंने अपनी बेटी की परवाह नहीं की तो और कौन करेगा? मैं जानती हूँ अम्मू, विराट दर्द में है और अपनों से मिली चोट का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन तू उस चोट पे मरहम लगाए और उसकी कीमत भी चुकाए, ये मैं अब होने नहीं दे सकती। आई के लिए चौकीदारी कर रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ ऐसी बात है, लेकिन मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? तू जानना चाहता है मैं क्यों जा रही हूँ विराट सर के पास वापस? क्यों जा रही है हर्षा? क्योंकि क्योंकि क्या दिखता है? बहाना मत कर, सच बता, क्योंकि ये जो तू कर रही है ना बहुत बड़ा फैसला है, और उससे बड़ी बात यह है कि तू अपने कह से मुकर रही है। तुझे तो इस शादी से नफरत थी ना, और जिन हालातों में तेरी शादी हुई तुझे तो इन सब लोगों से नफरत हो गई थी, फिर क्यों? उस शादी को मैं अभी भी नहीं मानती हर्षा। तो यहाँ क्या कर रही है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हर्षा तुझे लगता है मैंने ये सवाल खुद से नहीं पूछा? मैं इस घर में वापस आई थी सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। वो तूने कर दिया, फिर? फिर? अच्छा, मैं उस शादी को वाकई नहीं मानती, मैं याद भी नहीं करना चाहती उस दिन को जिस दिन मेरा वो सपना टूट गया था, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया हर्षा। मैं सच कह रही हूँ हर्षा, विराट सर में बहुत बदलाव आ गया। तू खुद सोचना, जब तुझे झूठे इल्जाम में जेल ले गए थे तो उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया तुझे रिहा करने के लिए। तो तू उनके एहसानों का बदला चुका रही है? नहीं, मैं दोस्ती निभा रही हूँ हर्षा। दोस्ती? फिर ये कब हुई? अब मुझे नहीं पता कब हुई। विराट सर ने तो जैसे कसम ही खा रखी थी मुझे बर्बाद करने की, लेकिन हर्षा जब से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं, वो बहुत बदल गए हैं, वाकई हमारा रिश्ता बदल गया है हर्षा।
मुझे पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे के लिए लड़ने लगे। लेकिन बहुत से मौकों पे उसने तेरा साथ नहीं दिया था, उसका क्या? पर मुसीबत में मुझे अकेला भी तो नहीं छोड़ा ना हर्षित। मैं कह रही हूँ ना, हमारी दोस्ती हो गई है। और विराट सर, विराट सर, मैं जैसे अपनी दोस्ती निभाएगी ना, मैं वैसे ही दोस्त बनना चाहती हूँ उनके लिए, उनकी तरह वफादार। कह रही हूँ इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है हर्षा, अकेले हैं इस वक्त। अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो वो अपनी गिल्ड से बाहर नहीं, वो कोसते रहेंगे खुद को कि वो उनकी मॉम के बहकावे में आकर उन्होंने मेरे साथ कितना गलत कर दिया। खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे हर्षा। मैं बस अपने दोस्त के पास वापस जाना चाहती हूँ ताकि वो अकेला ना महसूस करे। अच्छा है, वैसे भी तेरे जैसी दोस्त तो नसीब वालों को मिलते हैं ना। विराट इज द लकी वन। मुझे थोड़ी जलन हो रही है उससे। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। बनाने वाली, आप लोग कुक मंगवा लीजिए नहीं तो मैं घर जा रही हूँ। नहीं नहीं भाभी प्लीज प्लीज आप मत जाओ, आप बैठ के नाश्ता करो, मैं और निम्मी दी है ना, हम बना देंगे, प्लीज हम आपकी हेल्प करेंगे, प्लीज भाभी। नहीं तुम लोग हेल्प करते हो खाना जल जाता, मेरा काम और डबल हो जाता है ना। मतलब कि आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। भाभी खाना बना नहीं रही है, मुझे कुछ आता नहीं है, भूख लगी है, खाएंगे क्या हम लोग? अरे तो क्या हो गया अगर वो नहीं बना रही, तुम दोनों बना लो ना, अंजलि तूने तो सीखा भी है। तुम दोनों मतलब आप लोग क्यों नहीं बना सकते कुछ? और ऐसा कौन सी रूल बुक में लिखा है कि लड़के किचन में नहीं जा सकते? मैंने कब कहा कि आदमी लोग किचन में नहीं जा सकते हैं? बैंकर आज तुम इन दोनों की हेल्प कर दो, कल मैं भी कर लूं। फिलहाल मैं टेबल लगा था। बहुत अच्छा, तुम दोनों के बिना नहीं कर पाती, जल्दी नाश्ता लेकर आओ। देखा दी तीनों मिलकर कैसे ड्रामा कर रही है, ताकि विराट कामों में उलझा रहे और आपको उसे बात करने का मौका ही ना मिले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।